सब्सक्राइब करें कुक विद सोफिया को और बेल आइकन को प्रेस करें न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए. थैंक यू. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज मैं आपको नूडल सूप की रेसिपी देने जा रही हूँ. हम अक्सर बच्चों को नूडल्स बनाकर देते रहते हैं बट वो खाते खाते बोर हो जाते हैं. सो हम उसका सूप बनाकर जब उन्हें देंगे तो उन्हें इस नए तरीके का नया फ्लेवर का बना हुआ नूडल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा. सूप के रूप में वो जब पियेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगने वाला है. ये यमी सूप अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप प्रॉपर एंड तक देखें. एंड जब वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें. तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, इसे मैंने बारीक काट लिया है. एक इंच अदरक का टुकड़ा था जिसे मैंने चॉप कर लिया है. देन यहाँ पे है 7 से 8 लहसुन की कलियाँ जिसे मैंने अगेन चॉप कर लिया है. और यहाँ पे 2 हरी मिर्च ली है मैंने. अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे ले रही हूँ. अगर आप ज़्यादा तीखा चाहते हैं तो आप ज़्यादा यूज़ करें. मैं यहाँ पे 2 यूज़ कर रही हूँ. देन इसमें जाएगा सोया सॉस जो है 1 टेबल स्पून एंड 2 टेबल स्पून है टमाटो सॉस, टमाटो केचप. एंड यहाँ पे मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर जिसे पानी में मैंने घोल लिया है. 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है ये. एंड यहाँ पे मैं ये नूडल का पैकेट ले रही हूँ, ये है टॉप रोमन. आप यहाँ पे इसकी जगह पे मैगी नूडल यूज़ कर सकते हैं. सेम ही रहता है दोनों टेस्ट में. मेरे पास नहीं था सो मैं ये यूज़ कर रही हूँ. आप मैगी का नूडल भी यूज़ कर सकते हैं. तो एक पैकेट नूडल का पैकेट ले लें आप. तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए एंड मैंने गैस ऑन कर दिया है. अब कढ़ाई को गर्म होने देते हैं. पहले कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी. जस्ट 2 स्पून हमें इसमें रिफाइंड ऑयल यूज़ करना है. देन मैं इसमें अनियंस ऐड कर दूंगी. अच्छे से इसे चलाते हुए हल्का फ्राई कर लें. जस्ट हमें इसे ट्रांसपेरेंट करना है, इसे हमें गोल्डन नहीं करना. अनियन हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लुक में आ चुका है. अब मैं इसमें 1 ग्लास फुल पानी ऐड कर दूंगी. ये देखिए फ्लेम हाई पे कर दें. अब तक हमारा फ्लेम मीडियम पे था, अब हम इसे हाई पे कर देंगे और इसमें एक बॉयल आने देंगे. ये देखिए इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है. अब हम इसमें सॉस ऐड करेंगे. तो मैं इसमें टमाटो सॉस, एंड सोया सॉस ऐड कर दूंगी. एंड हम इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे. शुगर ऐड करने से इसमें एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, हल्का सा नमकीन, हल्का सा मीठा टच आएगा इसमें. एंड 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी मैं. इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम. अब हम इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ऐड कर देंगे. सभी अच्छे से मिक्स कर लें. अब हम इसमें और पानी ऐड करेंगे क्योंकि हम इसका सूप बना रहे हैं तो हमें इसे बहुत पतला रखना पड़ेगा. इस वजह से हम इसमें और पानी ऐड करेंगे. तो 1 ग्लास और पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी. गैस को हाई पे कर दें एंड इसमें एक बॉयल आने दें.
ये देखिए गाइस, आप इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, देन मैं इसमें नूडल ऐड कर दूंगी। आप इसमें मैगी नूडल का भी यूज़ कर सकते हैं, सेम टेस्ट देता है दोनों, कोई सा भी आप नूडल यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता। अब ये नूडल्स पके नहीं हैं तो हमें इसे अच्छे से कुक करना है। देखिए गाइज, मैंने इसे सिम गैस पे अच्छे से कुक कर लिया है, नूडल हमारा प्रॉपर कुक हो चुका है, ये देखिए आप देख सकते हैं। इन दिस स्टेज मैं इसमें विनेगर ऐड कर दूंगी, तो 1 टेबल स्पून विनेगर मैंने इसमें ऐड कर दिया, जिससे इसका फ्लेवर थोड़ा स्वीट एंड सार हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर दें इसे। देन मैं इसमें अब कॉर्नफ्लावर ऐड करूंगी, तो अब कॉर्नफ्लावर आप ऐड कर दें जिससे इसमें थिकनेस आएगी। कंटिन्यूसली हमें इसे स्टर करते रहना है। कॉर्नफ्लावर मैंने ऐड कर दिया है, अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, ये अब थिक होना स्टार्ट होगा, बिल्कुल सूप जैसी कंसिस्टेंसी इसमें आ जाएगी। तो इसे लगातार चलाते रहें और यकीन मानिए गाइस, ये बहुत ही टेस्टी सूप तैयार होता है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही टेस्टी ये रेडी होता है, बच्चों के साथ साथ ये बड़ों को भी काफ़ी पसंद आएगा। और बच्चे वैसे भी नूडल खाते खाते सिंपली वे में बहुत बोर हो चुके होते हैं, आप उसे इस तरह से थोड़ा न्यू स्टाइल में बना के उन्हें देंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए ये थिक हो रहा है, आप चाहे तो इसमें कुछ सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, लाइक कैरेट्स एंड शिमला मिर्च, उससे ये और ज़्यादा हेल्दी भी हो जाएगा। ये थिक होना स्टार्ट हो गया, अब मैं इसमें ये जो हमारा टेस्ट मेकर होता है नूडल के साथ जो आता है पैकेट में, वो ऐड कर दूंगी मैं इसमें। आप चाहे तो ना भी ऐड करें, इससे भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे भी खाने में, बट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे ऐड करने के बाद हम इसे जस्ट 1 मिनट के लिए और पका लेंगे, देन मैं इसका फ्लेम, गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी एंड इसे सर्व करूंगी। फिर गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है सूप पीने में, सो मैं इसे गर्मा गर्म ही सर्व करने वाली हूँ। ये देखिए हो गए हैं 1 मिनट एंड मैं अब फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, बिल्कुल डन है हमारा सूप। गाइस तैयार है हमारा नूडल सूप, थोड़ा सा नमकीन है ये, थोड़ा स्वीट एंड सार है, और आप ज़रूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड मेरे चैनल कुक विद सोफिया को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच।